इस वीडियो में कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने से रिलेटेड और चालू करने से रिलेटेड और उसका नंबर जानने से रिलेटेड सब पूरी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपके नंबर कॉल फॉरवर्डिंग पर है तो उसे पहचानेंगे कैसे। ये देखिए ऊपर दिख रहा है, ये आइकॉन आपके मोबाइल में आ जाएगा। ये आइकॉन दिखने लगेगा मतलब आप समझ जाए कॉल फॉरवर्डिंग है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन बार दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स लिखा है। आप यहाँ पे भी प्रेस करके सेटिंग में जाके कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे आसान तरीका बताता हूँ जिससे आप कॉल फॉरवर्डिंग बंद कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये डायल पैड पर जाइए जहाँ से आप फ़ोन लगाते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए जो ऊपर दिया है सेटिंग का चिन्ह, यहाँ थ्री डॉट भी हो सकता है, सेटिंग का चिन्ह भी हो, आप इसी को क्लिक करेंगे तो पहुँच जाएंगे सेटिंग में। यहाँ पे देखिए कैरियर कॉल सेटिंग लिखा है तो वहाँ से आप कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप कॉल फॉरवर्डिंग मतलब प्रेस करके ऑप्शन आ जाएगा जिससे आप बंद कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बता दूँ आपको कि आप डायरेक्ट सेटिंग में चले जाइए और कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा तो यहाँ पर सर्च आइकॉन दिया है, आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे लिख दीजिए आप कॉल फॉरवर्डिंग, कोई भी मोबाइल हो, किसी भी प्रकार की मोबाइल होगी, कोई भी कंपनी की ऑप्शन आएगा ही आएगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इससे भी आप कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर सकते हैं, अंदर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप फिर जैसे ही क्लिक किए तो आप वहीं पे पहुंच गए जहां से आपने डायल पैड पे गए थे। ठीक है, तो ये क्लिक करिए आप, जो सिम जो नंबर आपका जा रहा है उस पर क्लिक करिए, आइडिया या जियो जो भी हो आपके मोबाइल में उस पर क्लिक करिए तो ये प्रोसेस करेगा रीडिंग सेटिंग। सेटिंग को रीड किया इसके बाद आपको क्या दिखेगा, ऑलवेज फॉरवर्ड नाम से ऑप्शन, यानी कि ये बता रहा है कि आपका नंबर जो है हमेशा सभी नंबर किस नंबर पर जाता है ये बताएगा। आप इस पर प्रेस करिए, क्लिक करिए तो आप नए पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आप यहाँ पे जो आइडिया यहाँ पे दिख रहा है फॉरवर्डिंग ऑल कॉल्स, यानी यहाँ पे आइडिया दिया है तो आप यहाँ पे भी प्रेस करेंगे तो आप मतलब क्लिक किए रहेंगे तो आप यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है ये फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर चाहते हैं दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड हो तो दूसरा नंबर अपडेट कर सकते हैं, और यदि चाहते हैं बंद करना तो यहाँ पर जो चिन्ह है क्रॉस का उसे प्रेस करिए तो नंबर हट गया, और यहाँ से ऑफ बटन पे प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो क्या होगा कि फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपने सक्सेसफुली कॉल फॉरवर्ड को बंद कर दिया है। ठीक है, अब आपका फॉरवर्ड कॉल बंद हो चुका है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ जो बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही किफ़ायती। ठीक, अब आपको सबसे पहले मैं ये करके दिखाऊँगा कि सबसे पहले कि कॉल फॉरवर्ड होता कैसे है। तो सबसे पहले ये देखिए *21* मोबाइल नंबर हैच डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉल फॉरवर्ड है या नहीं है, यदि नहीं है तो करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस नंबर पे कॉल फॉरवर्डिंग चालू करते हैं। वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको कॉल फॉरवर्डिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए जैसे ही हमने डायल किया तो ये क्या किया, कॉल फॉरवर्डिंग रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुल। ठीक, अब आपको ये भी जानने की उत्सुक होगी कि कॉल फॉरवर्डिंग किस नंबर पे है। आपको मान लीजिए नहीं पता कॉल फॉरवर्डिंग आपके मोबाइल में चालू है तो आप ये जान सकते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ जिससे आप ये जान जाएंगे कि कॉल फॉरवर्डिंग है किस नंबर पे। सबसे पहले चेक करते हैं एक चीज़ और। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग चालू करने के लिए क्या कोड है। तो *21# ये कोड है, आप इसको डायल कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप डायल करेंगे, ठीक, तो ये बता देगा कौन सा नंबर आप मतलब किस नंबर पे आपके सारे कॉल्स जा रहे हैं। तो ये आपको नंबर दिख गया कॉल फॉरवर्डिंग वॉइस साइंड। ठीक, तो ये दोनों आपको नंबर दिख गया कि इस नंबर पे ही आपका कॉल फॉरवर्डिंग है। ठीक है, ओके करिए। अब कोड के थ्रू ही, अगर आप सेटिंग में नहीं जाना चाहते तो कोड के थ्रू कॉल फॉरवर्डिंग बंद कैसे कर सकते हैं। तो *21# ये होता है कोड कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करने के लिए। तो चलिए डाल करके देखते हैं *21#, ये कॉल फॉरवर्डिंग इरेज सक्सेसफुली। ठीक है, तो इससे आपका क्या हुआ, कॉल फॉरवर्डिंग चालू किए, चेक किए और बंद कर दिए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट में बताइए कोई भी जानकारी चाहिए तो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए। थैंक यू।